एक्शन लिया गया। नैनीताल स्थित कैंची धाम मंदिर में 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर अब समूचे कैंची धाम को रंग बिरंगी मालाओं से दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं मेले को लेकर मंदिर प्रबंधन ने भी सभी तैयारियां भी पूरी कर ली है। प्रसाद वितरण, करौली बाबा के दर्शन समेत यातायात को लेकर भी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। मंदिर प्रबंधन ने ऐलान किया है कि सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर में प्रसाद वितरण का कार्य किया जाएगा। इतना भव्य सजावट जो मंदिर की हो रही है, 15 तारीख को जो स्थापना दिवस है उस उपलक्ष्य में कराई जा रही है, जिसमें एक बहुत ही यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। काफी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। इसमें हमने अनुमानित लगभग 2 लाख लोगों का आने की उम्मीद है और उसी हिसाब से हम यहाँ पर मालपुआ बना रहे हैं। और ये मालपुआ जो है हमारा 12 तारीख की सुबह 10 बजे से पूजा अर्चन के बाद बनाना शुरू हो गया था और जो निरंतर रात दिन बनते रहता है और ये 15 जून की रात बनते रहता है जब तक भक्त लोग को सबको प्रसाद न मिल जाए। मंदिर के अंदर देखिए अपनी व्यवस्थाएं वही होती है कि लोग सुगमता से दर्शन कर जाएं, बाकी काम प्रशासन का है बाहर का। और जितना हर साल से आप देखते आ रहे हैं सुगमता पूर्वक महाराज की कृपा से ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। महाराज की कृपा से हम लोग तो एक ही चीज जानते हैं कि प्रसाद इतना बने, आज तक उनकी कृपा से कभी ऐसा नहीं रहा कि हम लोगों को किसी को ये नहीं कहा कि हमें प्रसाद नहीं मिला या प्रसाद खत्म हो गया। ये तो अन्नपूर्णा का, महाराज कहते थे अन्नपूर्णा का दरबार है, यहाँ कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। अभी तो प्रभु की लीला है, इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ये 15 जून को कैंची धाम के मेले के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें 14 जून की दोपहर 2 बजे के बाद से कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार का वाहन कैंची धाम मंदिर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में 14 पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पर हमारे द्वारा 4 व्हीलर को और 2 व्हीलर को पार्क कराया जाएगा और पार्किंग में पानी की, टॉयलेट की सारी सुविधाएं कराने की कोशिश की गई है, कराई गई हैं।